आई पंकज पात्रा, वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए शॉर्ट रेंथ के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। और आज की इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप जानते हैं, आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं आपको डबलिंग प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। अब आप कहेंगे डबलिंग प्रिंसिपल यानी स्ट्रोक को डबल करना। अब स्ट्रोक को डबल करना, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। डबल करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, डबल क्यों करते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि डबल करने से शॉर्ट एंड का मतलब होता है शॉर्ट में लिखना और स्पीड से लिखना, लेकिन डबल करेंगे तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी, तो डबलिंग से क्या एडवांटेज है? अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप क्या जवाब देंगे? डबलिंग का मतलब डबल ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, पेंसिल ज़्यादा देर तक उसको स्ट्रोक को डबल बनाना पड़ेगा। हाविंग तो समझ में आ गया था, लास्ट वीडियो में हाविंग बताया था कि स्ट्रोक को हाफ करना है, हाफ करने से हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, स्ट्रोक हाफ हो जाएगा, कम समय में हम लिख पाएंगे, लेकिन डबलिंग तो नहीं समझ में आया ना, तो डबल क्यों करते हैं? आज मैं उसकी बेनिफिट भी बताऊंगा, एडवांटेज, अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि डबलिंग से क्या बेनिफिट है, वो एडवांटेज। और डबलिंग कौन कौन से स्ट्रोक डबल हो सकते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। कर्व स्ट्रोक डबल हो सकते हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक डबल हो सकते हैं। कर्व स्ट्रोक किस लिए डबल होते हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक किस लिए डबल होते हैं, क्या कर्व स्ट्रोक जिस लिए डबल होते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक भी उसी लिए डबल होते हैं, तो ये सारे नियम आपको पता होंगे, शॉर्ट एंड के नियम आपको बताए जाएंगे आज वाले वीडियो में, और इस तरह से बताए जाएंगे कि आप थ्योरी में अच्छे मार्क्स ला सकें। थ्योरी में कौन कौन से, अक्सर स्टूडेंट्स को ये रहता है कि समझ तो लिया लेकिन थ्योरी में किस तरह के प्रश्न आएंगे, तो मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगा, उत्तर भी बताऊंगा, एग्जांपल भी बताऊंगा, कौन से स्ट्रोक डबल हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, कर्व स्ट्रोक कब डबल होते हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक कब डबल होते हैं, तो आज वाले वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन वीडियो आपको एंड तक देखना है, और जो जो मैं बताऊंगा वो आपने अपने नोटबुक अपने रजिस्टर में नोट करना है, बेनिफिट तभी होगा, उससे आपको लिखने का भी अभ्यास हो जाएगा। और ये भी बताऊंगा कि डबलिंग प्रिंसिपल मतलब डबलिंग का नियम कब यूज नहीं करना है, सब जगह तो यूज नहीं होगा ना, कुछ ऐसी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि कब इसका यूज नहीं हो सकता, तो तब आप क्या आंसर देंगे, तो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, और मैंने आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, मैंने आपके लिए मेहनत की है, और ये सारा इन सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल करके आपके सामने वीडियो के रूप में दी है। ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट, यानी आप कभी भी, आप जब भी समय मिले इसको देख सकते हैं 24/7 ऑनलाइन क्लास का यही बेनिफिट है, घर पर बैठे देख सकते हैं, कहीं पार्क में बैठकर देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, तो ये सारा वीडियो आपने एंड तक देखना। और इसके अलावा प्ले लिस्ट है जहां शॉर्ट एंड थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो है, इसी चैनल पर शॉर्ट एंड थ्योरी से रिलेटेड आपको हर चैप्टर के वीडियो लगभग मिल जाएगी, एक दो चैप्टर रह रहे हैं उसके वीडियो और आगे आ जाएंगे, तो और आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिलने वाले हैं, उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और जो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है आप उनको देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में है शॉर्ट एंड थ्योरी की प्ले लिस्ट है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रोजगार क्वेश्चन बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बहुत सारे वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं, आपने डिक्टेशन लिखनी है, ग्रामलॉक्स की डिक्टेशन लिखनी है, फ्रेजेस की डिक्टेशन लिखनी है, उसके भी वीडियोज इसी चैनल पर है, तो आपने चैनल को इतना प्यार दिया, इतना लाइक किया, और जो स्टूडेंट नए हैं वो सारे वीडियोज देख सकते हैं और ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट उठाएं, घर पर बैठे कभी भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहें, कभी भी एग्जाम आ सकता है, एग्जाम जब भी होगा आपने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, तो आज का मेन टॉपिक डबलिंग प्रिंसिपल, सारे नियम आपको बताए जाएंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई डबलिंग से रिलेटेड कोई नियम आपका छूट रहा हो तो इस तरह का कोई आप सवाल मन में नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई आपके मन में कोई शंका कोई सवाल है क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपको उत्तर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं डबलिंग प्रिंसिपल। टुडे आई विल एक्सप्लेन डबलिंग प्रिंसिपल ऑफ शॉर्टहैंड।
देर आर सो मैनी क्वेश्चंस ऑन डबलिंग प्रिंसिपल. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. एक्सप्लेन हाउ अ स्ट्रोक इज डबल्ड. द आंसर इज फर्स्ट यू विल हैव टू राइट द हेडिंग डबल अ स्ट्रोक एंड देन एक्सप्लेन योर आंसर. When a stroke is doubled in its standard length, means जब हम किसी स्ट्रोक की जो नॉर्मल लेंथ होती है उसको डबल कर देते हैं, इट इज़ कॉल्ड डबल स्ट्रोक और डबल लेंथ स्ट्रोक. क्लियर? एज अ जनरल रूल जो सामान्य नियम है, टी आर डी आर टी आर और TURE is added by doubling the preceding stroke. TRDR, DR और TURE add होते हैं जब हम किसी stroke को double करते हैं. Preceding stroke में add होते हैं. Preceding stroke पहले वाला stroke है. जैसे कि हम example से समझते हैं. There are so many examples. Like water. TR is added in V. Stroke V. Motor. M is doubled for TR. Painter, P doubled for TR. Father, order. You have to choose any two example and write in support of your answer on your answer sheet. The next question is, what is doubling principle in shorthand? Again, the same question in different styles. Examiner is evaluating your knowledge. Now, the answer is, the first you have to write the heading, doubling principle. Doubling the length of any stroke for the addition of TR, DR, DR or TURE is called doubling principle in shorthand. The next question is, what are the advantage of doubling principle? Very important question for your exam. Advantage, यानी doubling principle हम क्यों बनाया गया है, हम इसे इससे क्या लाभ होता है. Again, you have to write the heading before explaining your answer. Following are the advantage of doubling principle. The first one is, the doubling principle is the fastest mechanism. ये एक ऐसी टेक्निक है, तेजी से लिखने की टेक्निक है, by which many words phrases can be written in shorthand speedily. Shorthand को स्पीड से लिखा जा सकता है, ये ऐसी टेक्निक बनाई है. Second advantage is, much time gets wasted while lifting our pen or pencil. बार बार पेन पेंसिल उठाने में जो समय नष्ट हो जाता है. एंड राइटिंग अनदर स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक लिखना पड़ता है. डबलिंग प्रिंसिपल इज टाइम सेविंग प्रिंसिपल ऑफ शॉर्ट हैंड. तो वो टाइम ये डबलिंग प्रिंसिपल से बच जाता है, एक ही स्ट्रोक को डबल कर दिया जाता है और ज़्यादा साउंड लिख सकते हैं. द थर्ड वन इज, थ्रू दिस प्रिंसिपल वी डबल द साइज ऑफ ए स्ट्रोक. साइज को डबल कर देंगे विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल एंड राइट मोर साउंड देन नॉर्मल साइज ऑफ स्ट्रोक. जो नॉर्मल साइज स्ट्रोक में जितनी साउंड लिखी जाती है, डबल करने से हम ज़्यादा साउंड लिख पाते हैं. तो ये देर आर थ्री एडवांटेजेस ऑफ डबलिंग प्रिंसिपल. क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर. एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग डबलिंग ऑफ कर्व्ड स्ट्रोक. आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है. यहाँ केवल कर्व स्ट्रोक की डबलिंग के बारे में पूछा है, सारे रूल नहीं पूछे गए. एग्जामिनर जितना आपसे पूछे उतना ही आपने एक्सप्लेन करना है. एग्ज़ाम में प्रश्न 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के आते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. तो आपने एक्सप्लेन करते समय ध्यान रखना है कि क्या आपसे पूछा जा रहा है. There are heading rules of doubling the curved strokes. A curved stroke can be doubled for the addition of TR, DR, DR and TURE. जो curved stroke है इनके लिए double होता है, यानी ये
उसमें ऐड हो जाते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, एंटर टी आर ऐड हो गया, ऑर्डर लेटर मदर फाइटर नर्चर फ्यूचर नेचर, देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स। यू हैव टू राइट ओनली टू एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर इन योर आंसर शीट। नेक्स्ट इज द स्ट्रोक एल विदाउट अ फाइनल हुक और डबल्ड इज डबल्ड फॉर द एडिशन ऑफ टी आर। ध्यान रखने वाली बात है कि एल स्ट्रोक बिना फाइनल हुक वाला हो तो वो टी आर के लिए ही डबल होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइटर टी आर लिटर लेटर लेटर स्लॉटर, फाइनल हुक नहीं है, सिंपल एल जो है टी आर के लिए डबल होता है। द कर्व स्ट्रोक एम पी एम बी, सारे कर्व स्ट्रोक के रूल बताए जा रहे हैं, एंड एन जी आर डबल फॉर द एडिशन ऑफ आर एंड के आर गे आर रेस्पेक्टिवली। एम पी एम बी में आर जुड़ता है, एन जी में के आर गे आर एड हो जाता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं, टैंकर हैम्पर बम्पर दिसंबर लिंगर एंकर एंगर हैंगर चैम्बर टिम्बर। ओके, बट इफ अ वॉवल फॉलोज फाइनल आर द डबलिंग प्रिंसिपल इज नॉट अप्लाइड। अगर किसी कंडीशन में फाइनल में वॉवल आ जाता है आर के बाद तो ये डबलिंग वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, तब हम जो है वर्ड्स कैसे बनाएंगे। जैसे आपको लिखना है एंगरी, हमने बताया था एन जी में आर जुड़ जाता है लेकिन यहाँ वॉवल है तो नहीं रूल अप्लाई होगा। हंगरी पॉटरी फ्लैटरी लॉटरी। ओके, द स्ट्रोक ऑफ अनइक्वल लेंथ, जहाँ अनइक्वल लेंथ है स्ट्रोक की वहाँ भी डबलिंग का रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं मिनिएचर मॉनिटर मॉनेट्री। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स द डबलिंग ऑफ स्ट्रोक एम पी एम बी विद कर्व स्ट्रोक्स। एम पी एम बी जो कर्व स्ट्रोक हैं वो कैसे डबल होते हैं उसका रूल पूछा गया है। डबलिंग ऑफ एम पी एम बी, द स्ट्रोक एम पी एम बी इज डबल टू एड फाइनल ई आर। द सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट स्टाइल, एग्जामिनर आस्किंग सो मैनी क्वेश्चन एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स। एग्जाम्पल इज अंबर सेप्टेम्बर दिसंबर चैम्बर। दिस वीडियो विल हेल्प यू फॉर योर थ्योरी एग्जामिनेशन एंड इम्प्रूव योर शॉर्ट एंड रूल्स, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन ई आर टू एम पी एंड के आर गे आर टू एन जी इज एडेड। सेम क्वेश्चन इन अ न्यू स्टाइल, एग्जामिनर इज इवेल्युएटिंग यू इन द डिफरेंट वे। द आंसर इज व्हेन दीज आर नॉट इनिशियली और फाइनली हुक्ड एज इन एम्बर दिसंबर, यानी इनिशियल और फाइनल हुक नहीं होंगे ये स्ट्रोक तो हम इसमें ईआर जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल है बम्पर पैम्पर बम्पर, यहाँ बम्पर है, इंकर लिंगर लॉन्गर टेम्पर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर द हुक्ड फॉर्म ऑफ एम पी आर एम पी एम बी आर इज यूज, सेम रूल इन डिफरेंट स्टाइल, यू राइट द आंसर। दिस फॉर्म इज यूज व्हेन एम पी आर एम बी आर इमीजिएटली फॉलोज एन अप स्ट्रोक और के, अप स्ट्रोक है या के आता है तो एम पी आर एम बी आर की हुक्ड वाली फॉर्म यूज होगी, जैसे स्लम्बर हैम्पर कैम्पर लम्बर। आपने बहुत सारे रूल सीखे होंगे और इस वीडियो में कुछ बातें आपको नहीं लग रही होंगी, कुछ चीज़ें आपको भूल गई होंगी, तो आप इस वीडियो से अपनी नॉलेज को रिवाइज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एन जी के आर एन जी गे आर, इनकी अल्टरनेटिव फॉर्म कौन सी है। ये जो डबलिंग रूल है उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म हुक्ड वाली है,
फॉर्म द अल्टरनेटिव ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। द डबल प्रिंसिपल गिव्स सम ऑकवर्ड आउटलाइन, जहाँ डबल प्रिंसिपल ऑकवर्ड है वहाँ पर हम हुक वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, तो दोनों फॉर्म यूज़ हो सकती हैं, ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वेयर द डबल लेंथ फॉर्म ऑफ NGR NKR इज़ यूज, ये डबल वाली फॉर्म कहाँ यूज़ होती है। सारे रूल एक एक कर क्लियर किए जा रहे हैं, आपने इन रूल्स को अपनी नोटबुक में नोट करना है, माइंड में क्लियर करते जाना है। एंड दिस फॉर्म इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस, जो डबल वाली फॉर्म है वो इनिशियली शुरू में यूज़ होती है, जैसे एंगर एनकरेज किसी वर्ड के शुरू में है। व्हेन फॉलोइंग अ सर्कल, सर्कल आ जाता है उसके बाद, जैसे सिंगर सिंकर, और एन अपस्ट्रोक, अपस्ट्रोक के बाद जैसे हंगर लॉन्गर। इन ऑल अदर केसेस हुड फॉर्म इज़ यूज्ड, जैसे ड्रिंकर पिंकर कैंकर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द यूज ऑफ डबलिंग प्रिंसिपल विद स्ट्रेट स्ट्रोक्स। अब यहां पर क्वेश्चन स्ट्रेट स्ट्रोक के बारे में डबलिंग प्रिंसिपल पूछा गया है, और अभी तक हम कर्व स्ट्रोक के रूल्स देख रहे थे। डबलिंग प्रिंसिपल विद स्ट्रेट स्ट्रोक, स्ट्रेट स्ट्रोक इज डबल टू इंडिकेट TR, DR, DR और TURE। डबल स्ट्रोक ये इंडिकेट करने के लिए डबल किया जाता है, और लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है। व्हेन इट फॉलोज अनदर स्ट्रोक और सर्कल S, या कोई दूसरा स्ट्रोक होगा उससे पहले जिसको हम डबल कर रहे हैं, या S का सर्कल, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर ऑपरेटर स्कैटर सेक्टर। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ट्रैक्टर कैप्चर सेकेंडर स्पाइडर। नेक्स्ट कंडीशन इज व्हेन इट हैज़ फाइनली ज्वाइंड डिप्थोंग और फाइनल हुक, या तो फाइनल में डिप्थोंग होगा या हुक होगा। पहले वाले रूल में क्या था कि शुरू में कोई दूसरा स्ट्रोक या सर्कल होगा, यहाँ फाइनल में हुक और डिप्थोंग होगा, तब हम स्ट्रेट स्ट्रोक को डबल कर सकते हैं। कर्व स्ट्रोक को हम सिंपल डबल कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रेट स्ट्रोक में ये कंडीशन है। देखते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पेंटर पाउडर, फाइनल में डिप्थोंग है, डाउटर फाइनल में डिप्थोंग है, ट्यूटर फाइनल डिप्थोंग है, विंटर फाइनल में हुक है, वेंडर फाइनल हुक है, रेंडर फाइनल हुक है, काउंटर फाइनल में हुक है। हुक होगा या डिप्थोंग होगा तभी हम स्ट्रेट स्ट्रोक को डबल TR, DR, DR और TURE के लिए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हेन इज डबलिंग प्रिंसिपल इज नॉट एम्प्लॉयड, वेरी इंपॉर्टेंट, डबलिंग का रूल कहाँ यूज नहीं होता, इसकी भी कुछ कंडीशन है। ऊपर आपने शुरुआत इस तरह से करनी है, हेडिंग देना है और आगे शुरुआत करते समय और कंडीशन बतानी है। पहली कंडीशन है इफ़ अ वर्ड एंड्स विद अ वोवल, अगर किसी वर्ड के एंड में वोवल आ जाता है तो वहाँ आप डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है एंट्री कंट्री लॉन्ड्री बाउंड्री। द अदर कंडीशन इज इन पास्ट टेंसेज डबलिंग प्रिंसिपल इज नॉट यूज, पास्ट टेंस में जैसे पॉन्डर लिखा है तो पॉन्डर्ड इस तरह हो जाएगा, रेंडर लिखा है तो रेंडर्ड इस तरह से हो जाएगा। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट टेंसेज। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज टू अ स्ट्रेट स्ट्रोक अनलेस इट फॉलोज अ सर्कल और स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, शुरू में स्ट्रोक हो या सर्कल हो तभी डबल होगा, या फाइनल में हुक हो या डिप्थोंग हो, अगर ऐसा नहीं है तो डबल नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्कैटर, स्कैटर में डबल करते हैं, कैटर में नहीं करते क्योंकि शुरू में कोई सर्कल नहीं है, कोई दूसरा स्ट्रोक नहीं है। डाउटर फाइनल में डिप्थोंग है लेकिन डॉटर में ऐसा कुछ नहीं है। ट्यूटर और टेदर, तो ये एग्जाम्पल आप अपने रूल जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके फेवर में एग्जाम्पल देंगे, और मिनिमम टू एग्जाम्पल आप देंगे। कुछ और वर्ड्स भी हैं जहाँ डबलिंग नहीं लगता, जैसे वेदर है रीडर्स है ट्रेडर्स है पॉटर है, क्योंकि ये स्ट्रेट स्ट्रोक का रूल फॉलो नहीं करते। एंड द लास्ट कंडीशन इज इन वर्ड्स हैविंग लाइट साउंड ऑफ दी आर पैंथर आर्थर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, Why we use doubling principle in phrases? Doubling principle का phrase में हम use क्यों करते हैं, तो देखते हैं answer क्या है। Doubling principle in phraseography, phraseography में भी doubling principle use होता है, लेकिन क्यों। Doubling principle is employed in phraseography for the indication of the word there, there.
दो तरह से देयर है, आई कैन बी देयर, बी को डबल करेंगे देयर जुड़ जाएगा, अपॉन, अपॉन को डबल करेंगे देयर जुड़ जाएगा, टेक देयर वे, देयर के लिए हमने डबल कर दिया, हैज टू बी देयर। स्पेशल फ्रेज हैं, कुछ स्पेशल फ्रेज हैं जिसमें देयर और देयर के अलावा ऑर्डर, इन ऑर्डर दैट, ऑर्डर के लिए डबल कर दिया, रादर देन, रादर को डबल किया है, देन उसमें हुक लगा दिया, नॉट लेटर देन दिस लेटर, ये स्पेशल फ्रेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गिव एग्जांपल्स ऑफ डबलिंग प्रिंसिपल इन ग्रैमलॉक्स और शॉर्ट फॉर्म्स। ग्रैमलॉक्स और शॉर्ट फॉर्म में भी डबलिंग प्रिंसिपल यूज हो सकता है, अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा, एग्जामिनर आपको इवेल्युएट करते हैं, जब भी पेपर में प्रश्न आता है तो वो ये देखते हैं कि स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है डबलिंग प्रिंसिपल के बारे में, और डबलिंग प्रिंसिपल के जो हैं ग्रैमलॉक्स हैं, वंडरफुल, वंडरफुली, रादर, राइटर, करेक्टर। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ और एग्ज़ाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया और क्वेश्चंस नोट कर लिए अपनी नोटबुक में, और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार आप इस वीडियो को और देख कर जाएंगे। ऑनलाइन क्लास का ये बेनिफिट होता है कि आप घर पर रहकर कहीं भी सुबह शाम दिन रात आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऑन योर स्क्रीन, वेयर एल इज डबल फॉर टी आर ओनली, एल जो है टी आर के लिए डबल कब होता है। द आंसर इज एल इज डबल फॉर टी आर ओनली व्हेन इट इज स्टैंड अलोन और हैज एन अटैच्ड फाइनल सर्कल, फाइनल सर्कल हो, जैसे लेटर है या लेटर्स है, लीटर है, अल्टर है, तो टी आर के लिए एल को डबल करते हैं। बट इन वर्ड्स लाइक फाइनल डी आर, अगर फाइनल में डी आर डी आर आ जाता है, डबलिंग एल इज नॉट एम्प्लॉयड, तो वहां कैसे लिखेंगे, लीडर, लेदर, रूल को एकदम हमने क्लियर कर दिया। कैन स्ट्रोक एल इज डबल्ड फॉर टी आर डी आर, क्या स्ट्रोक एल टी आर डी आर के लिए भी डबल होता है, देखते हैं आंसर क्या है। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे डबलिंग ऑफ एल फॉर टी आर और डी आर, यस एल स्ट्रोक कैन बी डबल फॉर द साउंड ऑफ टी आर और डी आर, टी आर और डी आर या किसी एक के लिए होगा। वेन इट हैज़ अटैचमेंट इन द फॉर्म ऑफ हुक, तब डबल होगा जब हुक की अटैचमेंट होगी, सर्कल एस और टिक एच इन द बिगनिंग, शुरू में आएगा, ऑब्लिक एंड या एंड में भी आ सकता है, जैसे सोल्डर, स्लॉटर, लेंडर, फाइनल हुक है तो हुक तो एंड में ही आएगा, कैलेंडर, होल्डर, इस तरह के वर्ड्स हैं। डी आर इज एडेड व्हेन इट इज रिटन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में डी आर एड होता है, जैसे फोल्डर, फील्डर, रिंग लीडर, क्लियर। आपको सारे रूल क्लियर होते जा रहे हैं, और कितने रूल आपको पहले से पता थे, कितने रूल वीडियो देखने से पता लगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। व्हाट इज द रूल ऑफ सर्कल एस आफ्टर डबल लेंथ स्ट्रोक, डबल लेंथ स्ट्रोक में जो सर्कल जुड़ता है उसका क्या नियम है। सर्कल एस एट द एंड ऑफ डबल लेंथ फॉर्म इज रेड आफ्टर द सिलेबल इंडिकेटेड बाय डबलिंग, ये उसके बाद में पढ़ा जाता है, जो टी आर डी आर था डी आर हम जोड़ते हैं उसके बाद पढ़ा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है वोटर्स, एस बाद में आ रहा है, बाद में ही पढ़ा जाएगा। रेंडर्स डी आर के बाद में है। राफ्टर्स, रिएक्टर्स, पिक्चर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राइट द आउटलाइंस ऑफ सरेंडर, वंडर, टेंडर, लिंगर। अब यहाँ आपको एग्जामिनर ने एक तरह से बांध दिया है कि आपको इन्हीं वर्ड्स की आउटलाइन बतानी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड स्टेट देयर पास्ट टेंसेस, एग्जामिनर ने कितनी चतुराई से आपसे पास्ट टेंस भी पूछ लिए, तो आपकी नॉलेज चेक करने का एग्जामिनर के पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में और कैसे कैसे प्रश्न होंगे, हमें क्या आंसर देना होगा, तो आज वाला वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है अगर आप डबलिंग प्रिंसिपल के रूल देखना चाहते हैं तो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उससे क्या है, मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो आपके काम आ रहा है और आगे वीडियो बनाने में और अच्छा मोटिवेशन रहेगा। एंड द आंसर इज आउटलाइन विद देयर पास्ट टेंसेस, तो आउटलाइन बताई गई है विद पास्ट टेंसेस। सरेंडर की आउटलाइन ये है, सरेंडर्ड की ये हो गई, इसमें पास्ट डबलिंग रूल नहीं लगता। वंडर, वंडर्ड में डबलिंग रूल नहीं एम्प्लॉय करते। टेंडर,
टेंडर्ड में डबलिंग रूल नहीं होगा। लिंगर और लिंगर्ड पास्ट टेंस में डबलिंग प्रिंसिपल एम्प्लॉय नहीं करते। और ये आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंड तक देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।